जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ, अगले सत्र से 2800 रुपए में होगी धान की खरीदी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने इसकी घोषणा के संकेत दे दिए हैं। अमृत धारा महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मन से बड़ी बात कह दी है। उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया है कि अगले साल निश्चित तौर पर किसानों के धान की खरीदी 2800 रुपए में होने वाली है। बता दें कि अमृत धारा महोत्सव में पहुंचे महंत ने मंच से कहा कि अभी 2640 रुपए में धान खरीदी हो रही है, मगर हमने तय कर लिया है कि अब 2800 रुपए में धान की खरीदी होगी। बता दें कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान का रेट 2800 रुपए करने के संकेत जाहिर किए हैं। मनेन्द्रगढ़ चिमरी भरतपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अमृत झाला जलप्रपात के समीप अमृत धारा महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने महोत्सव का आगाज किया। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर राज्य में कुलेश्वरनाथ महादेव के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही। दरअसल महाशिवरात्रि के उपलक्ष पर राज्य में कुलेश्वरनाथ महादेव का दर्शन करने के लिए तड़के 4 बजे से ही भक्तों की लाइनें लगी रही। भारी भीड़ के चलते सुबह से ही लाइन लगाए भक्तों को दोपहर में महादेव का दर्शन करने को मिला। ज्ञात हो कि राजिम पुन्नी मेले की शुरुआत माघ पूर्णिमा से होकर के महाशिवरात्रि के दिन समापन होता है। इसमें देश के कई राज्यों से साधु संतों का आगमन होता है और ये विश्व प्रसिद्ध भी है। ठेकेदारों को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। जल जीवन मिशन योजना को लेकर 50 लाख घरों के पानी में देर अभी भी है। 38 फर्मों को नोटिस इसके लिए जारी हो चुका है। ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी अब कंपनीज को करती नजर आ रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश घर के 50 लाख परिवारों तक नल से पीने का साफ पानी पहुँचाने के लिए 2 साल की देरी और धीमे काम पर सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। बीते दिन इस काम में शामिल 38 ठेकेदारों को लेट लतीफी और लापरवाही के आरोप में नोटिस जारी कर दिया गया है। इसका जवाब एक हफ्ते में मांगा गया है। जवाब नहीं मिला तो संबंधित कंपनी को तुरंत ब्लैकलिस्टेड करने की चेतावनी दी गई है। इनके पास अलग अलग 25 करोड़ रुपए से लेकर के 150 करोड़ रुपए अर्थात कुल लगभग 2500 करोड़ रुपए के काम हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 से शुरू हुई जल जीवन मिशन की योजना में 50 लाख घरों तक नल से पानी मार्च 2024 तक पहुँचाना है, लेकिन अभी 19 लाख घरों तक ही पानी पहुँचाया जा सका है। समीक्षा में पाया गया है कि इसमें देरी ठेकेदारों ने की है। भरभरा कर गिर गई सेंटरिंग प्लेट, ऊपर काम कर रहे मजदूर गिरे, एक की मौत और 9 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का है, जहां एक निर्माणाधीन एक मकान की छत ढलाई के दौरान सेंटरिंग प्लेट भरभरा कर नीचे गिर गया। वही छत के ऊपर काम कर रहे मजदूर 40 फीट ऊपर से नीचे गिर गए, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, इनमें से एक की स्थिति काफी नाजुक है। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घायल मजदूर को रायगढ़ अस्पताल भिजवाया, जहां का इलाज किया जा रहा है। ये पूरी घटना पत्थलगांव थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के कश्मीरी गली में संदीप गर्ग के घर की एक निर्माणाधीन मकान की छत ढलाई के दौरान नीचे गिर गई। छात्रों के लिखने की आदत छूट गई है, जिसकी वजह से अब पूरी कॉपी भी छात्र नहीं भर पा रहे हैं। परीक्षा का परिणाम 35 से लेकर महज 40% रहने का अनुमान इस वर्ष जताया जा रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो रही हैं। इसके पहले कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट दे रहे छात्रों की कॉपी को देखकर कॉलेज प्रबंधन परेशान नजर आ रहे हैं। प्रबंधन को परीक्षा परिणाम बिगड़ने का डर सता रहा है। 2 घंटे के टेस्ट में छात्र महज 1 ही घंटे में लिखकर जाना चाहते हैं। अधिकतर छात्र 2 घंटे भी एक जगह बैठकर नहीं लिख पा रहे हैं। जल्दी जाने का कारण पूछने पर प्रश्न पूरे लिखने की बात स्टूडेंट्स कर रहे हैं। काफी देखने के बाद पता चल रहा है कि मुश्किल 4 से 5 पेज ही छात्र लिख पा रहे हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को बहुत ही कम शब्दों में लिखकर पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में 22 से 24 पेज की कापियां भरना छात्रों के लिए बेहद मुश्किल टास्क साबित हो रहा है। इसीलिए छात्रों से लिखने के लिए लगातार अभ्यास करने को कहा जा रहा है। इस वजह से इस वर्ष की जो वार्षिक परीक्षा के परिणाम है 35 से 40% रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष की बात करें यानी कि कोरोना काल की, तो ये परीक्षा परिणाम 100% थे।
सर्दी बीतते बीतते अब फरवरी में ही गर्मी आ चुकी है। देश भर के कुछ ही जगहों पर दोपहर के तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुके हैं, जबकि गर्म छत्तीसगढ़ में भी औसत 30 से ज्यादा पहुंचे हैं। दरअसल सूरज ने फरवरी में ही अपना रौद्र दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार मौसम ने अजीब करवट ली है और देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी के बाद बिना बसंत ऋतु के आए ही सीधे गर्मी महसूस होने लगी है। तापमान में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी राजस्थान और गुजरात में देखने को मिल रही है, जहां से लगभग सभी क्षेत्रों में पारा सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा चल रहा है। देश का औसतन अधिकतम तापमान 15 मार्च की स्थिति जैसा पहुंच चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी मौसम इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स व्यू की बात करें तो पहला गुजरात और राजस्थान में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से और आसमान साफ रहने की वजह से पारे के अचानक बढ़ने के यहां पर संभावनाएं बताई जा रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, पेंड्रा रोड और जगदलपुर, साथ ही दुर्ग और राजनांदगांव में दोपहर का तापमान 32 डिग्री के इर्द गिर्द रहने का बावजूद सामान्य से 3 डिग्री तापमान अधिक बताया जा रहा है। संतों की पदयात्रा छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। सामाजिक समरसता और धार्मिक चेतना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें राजधानी में बड़े स्तर पर संत समागम होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से संतों की पदयात्रा की शुरुआत कर दी गई है। 4 शक्तिपीठों से संत रायपुर के लिए पदयात्रा पर निकल चुके हैं। वहीं दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी मंदिर से इस पदयात्रा की शुरुआत की गई है। बता दें कि दंतेवाड़ा के माँ दंतेश्वरी मंदिर में संत कौशल रामनवमी और संत राम भगत रामनवमी पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर विश्व परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा बात करें तो 17 मार्च को पदयात्रा रायपुर में समाप्त होने वाली है। इसके अलावा उन्होंने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की है। मई तक एक्सप्रेस ट्रेनों की वेटिंग बढ़ चुकी है। अभी ये जो वेटिंग है मार्च तक थी, लेकिन अब रायपुर से उत्तर प्रदेश, साथ ही बिहार और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट के लिए कड़ी मशक्कतें करनी पड़ रही है। रायपुर से गुजरकर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और मुंबई जाने वाली ज़्यादातर एक्सप्रेस ट्रेनों में अभी मई महीने तक लंबी वेटिंग लिस्ट है। यात्रियों को कन्फर्म टिकट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। स्टेशन के आरक्षण केंद्र में यात्री सुबह से ही डटे रहते हैं। 7 से लेकर 8 मार्च को होली का पर्व है। पर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में उत्तर भारत के मूल निवासी अपने गांव जाने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन इनका सफर आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मई तक उत्तर भारत की तरफ जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें फुली पैक चल रही हैं। कंफर्म टिकट होली के बाद की तारीखों का ही मिल पा रहा है। ऐसे में यात्रियों के पास तत्काल टिकट ही एकमात्र विकल्प बच चुका है। बीजेपी के चक्का जाम की वजह से समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए लोग, इसकी वजह से युवक ने अपने थाने में FIR दर्ज करा दी है। 20 से ज्यादा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। नक्सलियों द्वारा भाजपा के 4 नेताओं की हत्या करने के विरोध में भाजपा ने पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 400 से भी अधिक स्थानों पर चक्का जाम किया था। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में भी 4 से 5 जगहों में भाजपा के अलग अलग नेताओं ने चक्का जाम किया था। इसके विरोध में एक ITI छात्र ने पुरानी भिलाई थाना और एक ड्राइवर ने दुर्ग कोतवाली थाने में 2 दर्जन से अधिक भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोप लगाया गया है कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे वे अपनी बाइक से अपने दोस्त अनुराग को अस्पताल ले जा रहा था। अनुराग के पेट में काफी तेज दर्द था और जैसे ही सिरसा गेट के पास पहुंचा, वहां बीजेपी नेताओं ने उन्हें रोक दिया और दुर्ग में भी भाजपा जिलाध्यक्ष सहित 18 के खिलाफ FIR रिकॉर्ड की गई है। दुर्ग में भी पेशेवर ड्राइवर समर कुमार ने नागरे ने भाजपा नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जलवायु परिवर्तन के चलते अभी आम के बौर अधिकांश पेड़ों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वजह से इस साल आम की फसल लेट बताई जा रही है। तापमान में उतार चढ़ाव के चलते इस बार भी बाजार में देरी से पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। ये लगातार दूसरा साल होगा जब आम के फसल पर मौसम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता दिख रहा है। आधा फरवरी बीत चुका है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते अभी तक आम के बौर अधिकांश पेड़ों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तापमान में उतार चढ़ाव के चलते इस बार भी आम बाजार में देरी से पहुंचने की संभावना है। फसल कमजोर होने से इस वर्ष भी फलों का राजा आम लोगों से दूर होने वाला है। इससे लोगों में भी निराशाएं हैं। आम के मौसम में लगभग 1 महीने की देरी हो रही है। आम के बौर जो दिसंबर के पहले हफ्ते तक आ जाते थे, इस वर्ष फरवरी में ही दिखाई देना शुरू हो रहे हैं।
एक बार फिर से ट्रेनें रद्द करी जा रही हैं। इस बार दोहरीकरण कार्य के असर को कारण बताया जा रहा है। कई ट्रेनों के परिवर्तित मार्ग से चलाए जाने की भी संभावना है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा रेलमंडल, इसके अलावा सोगरिया रुठियाई जंक्शन में सेक्शन में दोहरीकरण लाइन का काम किया जा रहा है। इस कार्य के दौरान रेलवे स्टेशन को दोहरीकरण रेलवे लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसको लेकर बिलासपुर के सोगरिया रुठियाई जंक्शन में सेक्शन में दोहरीकरण लाइन के कार्य के दौरान सोगरिया रेलवे स्टेशन को भी दोहरीकरण रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है। और इस दौरान 18 से 20 फरवरी तक जगतपुर मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ गाड़ियों का संचालन प्रभावित रहेगा। इनमें 19 फरवरी को दुर्ग से चलने वाली गाड़ियां भी शामिल है। इसके अलावा ट्रेनों के रद्द और परिवर्तित मार्ग की वजह से यात्री परेशान होते नजर आ रहे हैं। ये लगातार कई बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से यात्रियों को ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 23 फरवरी को नए राज्यपाल अपने पद की शपथ लेने वाले हैं। बिश्वभूषण हरिचंदन के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक ली है। अधिकारियों को भी निर्देशित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन 23 फरवरी को अपने पद की शपथ लेने वाले हैं। इस कार्यक्रम की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रमुख अधिकारियों की बैठक ली है। साथ ही उन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। 23 फरवरी को नए राज्यपाल के रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही स्वागत होने वाला है। सीएस की बैठक में पूरे शपथ ग्रहण समारोह में मिनट टू मिनट के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई है। ये बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई। अंतिम बड़ी खबर, जहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें नैनो की टक्कर से थार के पलटने का मामला सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर अब लोग खूब मजे भी ले रहे हैं। किसी ने लिखा, टाटा को टकराना आसान नहीं, ये वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कब कौन सा वीडियो वायरल हो जाए, इस बात का अंदाजा लगा पाना आज के ज़माने में बेहद मुश्किल है। जैसा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, इस वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंट भी करते नजर आ रहे हैं। या कोई डांस या फिर गीत का वीडियो नहीं बल्कि एक हादसे का वीडियो है। इस वीडियो पर कोई यकीन तो कर ही नहीं रहा है क्योंकि हर कोई आश्चर्य जता रहा है। ये जो वीडियो है दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर इलाके के मिनी स्टेडियम के पास का है, जहां टाटा नैनो ने 90 डिग्री मोड़ से आ रही महिंद्रा कंपनी थार जीप के पिछले चक्के को टक्कर मार दी। इस हादसे में टाटा नैनो थोड़ी दूर जाकर जरूर रुक गई, लेकिन महिंद्रा की बड़ी और हैवी कार मानी जाने वाली, जिसका मार्केट पे कैप्चरिंग बहुत तगड़ा है, ये पूरी तरीके से टक्कर के बाद पलट गई। इस घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन नज़ारा देखने लायक था। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है और थार के लोग खूब मजे भी ले रहे हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सकें। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।